हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए एलोवेरा जूस, आमला जूस या कोई भी हेल्थ ड्रिंक जो है या फ्रूट जूस, उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और बच्चों को भी वही आदत डालिए। तो बच्चे तो बिना शक्कर के कोई भी ड्रिंक पियेंगे नहीं। तो बेल बेल जो है, बेल का नाम आते ही हमें भगवान शिव की याद आती है। भगवान शिव के चरणों में चढ़ाया जाने वाला बेल पत्र जो भगवान शिव को अति प्रिय है, उस बेल के कई सारे औषधीय गुण होते हैं और बहुत सारी दवाइयों में बेल का इस्तेमाल किया जाता है। बेल आंतों की बीमारियों के लिए और पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। पतंजलि में बेल के कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बेल का चूर्ण है जो आप, जैसे कि अगर आपको इवन अल्सर भी है पेट के इंटेस्टाइन के अंदर, अतड़ियों के अंदर अल्सर है, या जैसे कि अतड़ियों के अंदर अल्सर के साथ साथ दूसरा कोई प्रॉब्लम है, पेट अतड़ियों की और कोई बीमारी है, तो उसके लिए बेल बहुत गुणकारी है। और उसके साथ साथ अनार भी बहुत गुणकारी है। तो उसमें पतंजलि में बेल का पाउडर अवेलेबल है, बेल कैंडी अवेलेबल है, तो आप बच्चों को बेल कैंडी दे सकते हो। आप जो भी बच्चों को जो जंक फूड देते हैं उसकी जगह पे, या जो भी टॉफीज देते हैं उसकी जगह पे आप उनके हाथ में बेल कैंडी दे दो, या फिर वो जिनका मैंगो का कैंडी आता है, क्योंकि वो स्वीट है, शुगर से ही बना है और बहुत टेस्टी है। मैंने बेल कैंडी का वीडियो भी बनाया है। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान रखेंगे, इन सारी चीजों को जो हार्मफुल चीजें हैं उनसे इनको रिप्लेस करेंगे, तो आपको उसके साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये उनका बेल शरबत है, इसके ऊपर लिखा है आंत्र विकार एवं कब्ज में उपयोगी। तो आप कब्ज और जो अतड़ियों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ये बेल शरबत जरूर ले सकते हैं। उसकी यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और उसकी प्राइस लिखी है। इसकी प्राइस है 65 रुपीज। और इसको इस्तेमाल करने के लिए 3 से 4 चम्मच 1 ग्लास पानी में पानी के साथ ले, और आवश्यकता अनुसार इसमें आप चीनी भी मिला सकते हैं, इसमें आप शक्कर भी मिला सकते हैं अगर आपको जरूरी हो। नहीं आपको शक्कर चाहिए या कम चाहिए तो आप इसको ऐसे ही पी सकती हो, आपको ये जरूर पसंद आएगा इसका टेस्ट। फ्रेंड्स, शक्कर की जगह पे आप पतंजलि बूरा जो कार्बोहाइड्रेट है आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे शरीर को हमें बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रखना पड़ता है, उसके लिए हमें हेल्दी चीजें खानी पड़ती है, जैसे कि एलोवेरा जूस है या आमला जूस है या हर्ब्स है। तो आप इस तरह की चीजों का अपने हार्मफुल जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उनसे रिप्लेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप ये जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये जरूर इसका टेस्ट पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे, ओम नमः शिवाय।